गरीब किसान आत्महत्या की कर रहा पाप, खड़ी फसलों पर गौशाला बनाने का फरमान किया जारी, सरपंच ने मजदूर भेजकर खड़ी फसलें की बर्बाद, गरीब राय परिवार पर मुसीबत का पहाड़ उस वक्त टूट पड़ा जब सरपंच ने खड़ी फसलों पर गौशाला बनाने का फरमान जारी कर दिया और मजदूर भेजकर खड़ी फसलें उजाड़ना शुरू कर दी है। यह मामला छतरपुर जनपद पंचायत के बरदोहा ग्राम पंचायत का है। सरपंच गरीब परिवार को भुखमरी के कगार पर लाना चाहते हैं। यह गरीब परिवार 50 सालों से पट्टे की जमीन पर खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। गरीब किसान का कहना है कि शासन ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमारे पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान बच्चियां शादी के लिए बैठी है, गौशाला बनाने के लिए और भी शासकीय जमीन पड़ी हुई है जिस पर गौशाला बनाई जा सकती है। जगह पीछे वही जगह छोड़ा रहे थे कि हमको जगह चाहिए जा, हम लोगों ने कही थी कि नहीं, हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे, आज 50 साल से हम लोग कर रहे हैं काम एक खेती बाड़ी को, 50 साल से बह रहे हैं। सर भी होगा सरपंच पैसा है, पैसा वा रहे पैसा की ठसक दिखा रहे हैं, पैसा की ठसक दिखा दे। हाँ स्टेक लगे तो पैसा देखा खुलवाओ है स्टेक भी। सर हमारे बच्चे भी बच्चे बाल बच्चे जो राय राय से हैं जो फिर रहे भूखे पिया से, ये जमीन हमारा ये देखो नुकसान करके धर दिया, ये देखो ये देखो ये हम ये देखो छः नुकसान करके धर दिया, देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये कितना नुकसान कर दिया इन लोगों ने, ये देखो ये देखो ये उतर पे गड्ढा है इतना, देखो देखो ये कौन पाल है ये देखो जी चली जाएगी तो मैं सारे बच्चे लेकर यहाँ जहर खा के फांसी लगा के पेड़ों पे यही मरेंगे कि जब जगह लेगा सर बच्चे एक महीना लगा बच्ची की ला शादी के ला हो जी लोग सब झूठ बोले ना कोई घटना बताते तो वहाँ जाके देख लो तुम रहा है कहाँ की रहने वाले गड़ा के। ये कौन सी जगह है जहाँ खड़े हैं? ये ककरदा है। ककरदा है, ये खेती किसकी है? ये हमारी है। हम तो यहाँ ये काम किसने लगवाया है? ये सरपंच ले लगवा है राजकुमार ने, गौशाला बनवा रहा है। हाँ खेती कर रहा है 50 साल हो गए हमको खेती कर, तो बीच बाजार में इन लोगों ने मारा था और मारा था और थाने में पैसा भर दिया था, तो कोई थानेदार भी बंद हो गए थे, पैसा लेके चले गए थे, कुछ नहीं सुनाई दिया था ना, कुछ सुना था थानेदार ने। अब यदि वो नहीं रोकते हैं तो क्या करेंगे आप? यहाँ हम बच्चे को लेके मरेंगे, फांसी लगाएंगे, जमीन लेंगे, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो, हम सरकार से लड़ेंगे। सरकार गरीब की नहीं सुनता है, बड़ा बड़ा का सुनता है, पैसा वालों को सुनता है, पैसा भर देता है। हम 10,000 हम सोच रहे थे फसल काट लेने दो, नहीं फसल पे। ये बताओ क्या दूसरी जगह सरकारी है क्या? सरकारी वहाँ से बहुत सरकारी जगह पड़ी है, इसी जगह को लोग बिरजे हैं, जबरदस्ती छोड़ा रहे हैं। निकालने के लिए तो दिखता नहीं है, यहाँ कहीं निकालने के लिए दिखता नहीं है, यहाँ नहीं दिखाई है, कहीं नहीं दिखा रहा है कि यहाँ जगह है, निकालने के लिए जगह ही नहीं है। इस जगह में कितने लोग हैं, कितने परिवार पल रहे हैं? इस जगह में 25 आदमी। हाँ जालम राज रहने वाले गड़ा की। ये किस जगह है आप? जी ककरदा की है सर। ककरदा, आप कितने सालों से जमीन? ये 50 साल 40-50 साल हो गए हमको सर। तो ये यहाँ पे क्या किस चीज का निर्माण चल रहा है? इसमें गौशाला का सर। गौशाला का? हाँ सर। किसके द्वारा चल रहा है? जी सरपंच राजकुमार की सर। अच्छा हाँ। तो आपको आपने इसका आवेदन नहीं दिया? आवेदन दिया है साहब, कलेक्टर साहब को दिया है, और मैडम का पैसा दे के स्टेप खुलवा लिया, 1-2 लाख रुपया दे के स्टेप खुलवा लिया। अच्छा हाँ सर। अच्छा ये जमीन आपकी उन्होंने गौशाला बन गई? हाँ सर। जो है खेती की जमीन आपके पास नहीं रही? नहीं है सर। उसके बाद जो है आपका परिवार कैसे चल रहा है? हमारा सब इसी से चल रहा है परिवार, हम तो यहीं मरेंगे बस, इसी जमीन में मरेंगे, इसी जमीन से। जमीन है क्या सर यहाँ गांव में जो जहाँ पे? हाँ सर है। हाँ इधर जितना साई है सर, मार पीट के लेता है हमारा, बस तानाशाही से ले रहा है सर।
हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सर हम जो फसल काट लें 3 महीना की हमें मोहलत दे दो, हम जो फसल काट लें इसके बाद भी अपनी बना सकते हैं सर। फसल चौपट कर रहे